अजामल पापी सी, अजामल पापी जग जानै निमख माए निस्तारा। अजामल दी साखी गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत वारी आई है। गुरु तेग बहादुर साहब ने भी उहदा जिक्र किया, गुरु अर्जन देव जी ने भी उहदा जिक्र किया, भगतां ने भी जिक्र किया। ब्राह्मणा दा मुंडा सीगा ते वेशवा दे नाल प्यार पा बैठा, राजे दे दरबार च कथा करदा सी, उत्थों कढ दिता गया। राजे ने बड़ा समझाया, अपनी जनानी छड के वेशवा नूं लै के जंगल च चला गया। अपनी घरवाली बेचारी, वह बच्चे परिवार पिछे रह गया। वेशवा नाल ब्याह करा के जंगल च रह के चिड़िया जनौर मार के खांदा सी। बच्चे उत्थे 7 बच्चे उहदे वेशवा तो जम दिते, 6वां बच्चा होया सी, 7वां होण वाला सी। उम्र ढल चली सी, 50 साल दे नेड़े, 45 साल दा हो गया होना। एक दिन कोई संत महात्मा जंगल जो लंघदे हो दी कुटिया च आ गए। उत्तों मौसम इहो जिहा सी, संतां नूं बिठाणा पिया, बिठा लिया। सोचिया भी हुण इहनां नूं कोई खवाईए पियाईए की। अपने घर ते है कुछ नहीं सी, ते ज़्यादा वध तो वध हुंदा सी वी कुछ घुग्गी कबूतर मार लिया, भुन के खा लिया, ते जंगली जीवन सीगा। फिर कितों छोलियां दी ना वो जिहड़े चने हुंदे ने हरे हरे, वह पुट के लियाया बूटे, उन्हां दीआं होलां भुन के इन्हां ते संतां नूं खवाईआं। महापुरशां नूं छकांदा छकांदा कोल सामणे बैठा। महापुरश का प्रभाव हुंदा, जिहो जी कमाई हुंदी उहो जिहा प्रभाव हुंदा, उहदी बंदगी का प्रभाव साधु का पिया। तो चरण फड़ के अजामल कहण लगा, महाराज भी मैं बड़ा पापी हाँ, ब्राह्मणा का पुत्र हो के भी मैं भ्रिष्ट हो गया, पतित हो गया। तो मेरा उन्हें अपना सारा पिछला सारा दसिया, मेरा भला किवें होवेगा। संत कहण लगे भी जिहड़ा हुण तेरे घर पुत्र जमेगा ना, उहदा नाम नारायण रख दी। तो नारायण का नाम तेरे मूँह तो चढ़ जाएगा। बस ये कह के चले गए। बच्चा होया, पुत उपन्ना 7वां, गुरमुख नाउ नारायण कहया। 7वां पुत्र होया, नाम नारायण रखता। संत चले गए, वह नारायण नारायण बुलाया करे, उहदे नाल प्यार भी बड़ा। बुढ़ा हो गया, मुंडा जवान हो गया, बच्चे तो चलो वड्डे होने ही सी सारे। मौत आई, जमदूत आए सामने, जमदूतां नूं वेख के डर के कहिंदा, नारायण मैनू बचा, नारायण मैनू बचा, नारायण नारायण कहिंदे ते सवास निकल गए। नारायण ते सुरती चली गई। नारायण शब्द की शक्ति है, शब्दों में पावर होंदी, शब्द के अंदर कोई भी शब्द है ना वो दी पावर होंदी। वो कदों वरतदी है, एक बंदा अपने मुँह तो कोई अक्षर बोलता हवा दे राही, वो कान च आ जाता। जो कान च आता वो अपना असर पाता। मान लो मैं आख्या, मैं बोलदा हाँ घोड़ा, तुहाडा एकदम ध्यान कित्थे गया? चार पैरां वाला, पूछ वाला, दो कन्नां वाला, सोहना जानवर, सवारी दे काम आउंदा घोड़ा। मैं बोलिया गऊ, तुहाडा एकदम ध्यान गया, दो सिंगां वाली, चार थणां वाली, पूछ वाली, दुध देंदी है गऊ। एकदम मेरे बोलण ते तुहाडे सुणन च किन्ना क देरी लगी, एकदम गऊ ते ध्यान गया। शब्द की श किसी बंद का आप ना लेने, एकदम वह ध्यान आता। जदों कहने वाहेगुरु, तो वाहेगुरु अकाल पुरख, वाहेगुरु परमेश्वर चेते आता है। शब्द की शक्ति है। नारायण क्या मूँह तो नारायण जी सुरती चली गई। जमदूत फड़ के लै चले सी, एने नू रामगण आ गए। वह कहें भी ये बंदा तो साढ़े नाल जाएगा हूँ। अखीरले वेले नारायण कहता है,
ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਾਂਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਗਈ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।